नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं अरुण सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। आज मैं लेकर आया हूं इंटरनल कम्बसन इंजन पार्ट 3 का वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईसी इंजन विद अ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जिसमें मैं न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा और वीडियो के अंत में मैं एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको दूंगा, जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यह वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब आपका समय ज्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की ओर। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन आईसी इंजन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्मिनोलॉजी के साथ, दैट इज सिलेंडर बोर। तो सिलेंडर बोर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आईसी इंजन का डायग्राम बना लेते हैं। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ आईसी इंजन। नाउ सिलेंडर बोर को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि बोर का क्या मतलब होता है। तो बोर मीन्स इंटरनल होल। इंटरनल होल को हम लोग बोर बोलते हैं, यानी कहीं पर भी हम किसी भी कंपोनेंट में इंटरनल होल करेंगे दैट इज कॉल्ड द बोर। और बोर यानी इंटरनल होल को हम किससे मेजर करते हैं, डायमीटर से। यानी अगर होल को हमें मेजर करना है तो हम उसका डायमीटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो व्हाट इज सिलेंडर बोर, तो आइए देख लेते हैं। इनर डायमीटर ऑफ वर्किंग सिलेंडर, और वी कैन से इनर डायमीटर ऑफ होल इज कॉल्ड द सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर क्या है, इनर डायमीटर ऑफ वर्किंग सिलेंडर इज कॉल्ड द सिलेंडर बोर, एंड सिलेंडर बोर इज डेजिग्नेटेड बाई द लेटर स्मॉल डी, एंड इट इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन mm। सिलेंडर बोर को हम लोग mm में एक्सप्रेस करते हैं। आइए डायग्राम में देखते हैं कहां पर है सिलेंडर बोर। तो दिस इज द सिलेंडर बोर, डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर इज कॉल्ड द सिलेंडर बोर। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पिस्टन एरिया। तो आइए जानते हैं व्हाट इज पिस्टन एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन हुज डायमीटर इज टेकन इक्वल टू सिलेंडर इज कॉल्ड द पिस्टन एरिया। मीन्स पिस्टन के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया जिसका डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के बराबर हो, उस एरिया को पिस्टन एरिया कहते हैं। आई डायग्राम में देखते हैं, तो दिस इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन जिसका डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है, तो इस एरिया को बोलेंगे हम लोग पिस्टन एरिया। पिस्टन एरिया इज डेजिग्नेटेड बाई लेटर कैपिटल ए। फॉर्मूला ऑफ पिस्टन एरिया इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और वी कैन से सिलेंडर बोर। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डेड सेंटर। तो आइए जानते हैं डेड सेंटर क्या है। सो डेड सेंटर इज द पोजिशन ऑफ क्रैंक विच लिमिट्स द टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पोजिशन ऑफ पिस्टन विद इन द सिलेंडर, बियॉन्ड विच पिस्टन कैन नॉट मूव और रेसिप्रोकेट। मीन्स टॉप डेड सेंटर वो क्रैंक की पोजीशन है जो पिस्टन की टॉप लिमिट और बॉटम लिमिट को डिसाइड करता है, यानी कि उस लिमिट के ऊपर न तो पिस्टन जा सकता है और ना ही उस लिमिट के नीचे पिस्टन मूव कर सकता है, यानी कि रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो डेड सेंटर क्या है, टॉप मोस्ट लिमिट और बॉटम मोस्ट लिमिट ऑफ द पिस्टन है, डिसाइड कौन करता है, क्रैंक की पोजीशन। ओके, तो डेड सेंटर इज द पोजीशन ऑफ क्रैंक विच लिमिट्स द टॉप मोस्ट and bottom most position of piston within the cylinder, beyond which piston cannot move or cannot reciprocate. Okay, in each cylinder there are two dead centers for piston. First one is TDC, that is top dead center, and second one is BDC, yani ki bottom dead center. So aaj jante hain top dead center kya hota hai. So naam mein hi hai top dead center. Dead center is the limit of the piston. टॉप डेड सेंटर मीन्स टॉप लिमिट ऑफ द पिस्टन। सो आइए देखते हैं कि क्या होता है टॉप डेड सेंटर। सो टॉप डेड सेंटर इज द टॉप मोस्ट लिमिट ऑफ पिस्टन अप टू विच पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट, और वी कैन से पिस्टन कैन कंप्रेस द एयर फ्यूल मिक्सचर विद इन द सिलेंडर। तो टॉप डेड सेंटर क्या है, टॉप लिमिट है पिस्टन की जहां तक पिस्टन रेसिप्रोकेट कर सकता है, इस लिमिट के ऊपर पिस्टन रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। ओके, तो टॉप डेड सेंटर इज द टॉप मोस्ट लिमिट ऑफ द पिस्टन अप टू विच पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट, और वी कैन से पिस्टन कैन कंप्रेस द एयर फ्यूल मिक्सचर विद इन द सिलेंडर। क्रैंक पोजिशन फॉर टॉप डेड सेंटर इज 0 डिग्री एंगल एंड 360 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन।
मींस जब क्रैंक की पोजीशन 0 डिग्री एंगल पे होगी तो पिस्टन अपने टॉप डेड सेंटर पे होगा, और जब यही क्रैंक एक पूरा सर्किल रोटेट करके 360 डिग्री पे होगी तो भी पिस्टन हमारी टॉप डेड सेंटर पे होगा। तो क्रैंक पोजीशन कौन कौन सी है टॉप डेड सेंटर की? 0 डिग्री एंड 360 डिग्री ऑफ रोटेशन। नाउ अब बात करते हैं बॉटम डेड सेंटर की। सो बॉटम डेड सेंटर क्या है, आइए देखते हैं। बॉटम डेड सेंटर इज द मोस्ट बॉटम लिमिट ऑफ द पिस्टन अप टू विच पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट विद इन द सिलेंडर और पिस्टन कैन एक्सपेंड ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। मीन्स बॉटम डेड सेंटर वो बॉटम लिमिट है पिस्टन की जिसके नीचे पिस्टन रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। ओके, नाउ क्रैंक पोजिशन फॉर द बॉटम डेड सेंटर इज 180 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। मीन्स जब क्रैंक 180 डिग्री एंगल घूम लेगी तो पिस्टन अपने बॉटम डेड सेंटर पे होगी, और उसके बाद जैसे ही क्रैंक 180 डिग्री से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो पिस्टन भी बीडीसी से ऊपर टीडीसी की तरफ मूव करने लगेगा। तो मीन्स बीडीसी क्या है? बीडीसी इज द बॉटम लिमिट ऑफ द पिस्टन जिसके नीचे पिस्टन रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्ट्रोक एंड स्ट्रोक लेंथ। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं स्ट्रोक क्या होता है। सो स्ट्रोक इज द मूवमेंट ऑफ पिस्टन और रोटेशन ऑफ क्रैंक आइदर फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। सो क्या है स्ट्रोक? स्ट्रोक है पिस्टन का मूवमेंट। जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर यानी कि टीडीसी से नीचे बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो ये हमारा वन स्ट्रोक होगा, और जब पिस्टन वापस बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो ये दूसरा स्ट्रोक कहलाएगा। सेम केस है क्रैंक के साथ। जब क्रैंक हमारा 0 डिग्री एंगल से 180 डिग्री एंगल रोटेट करेगा तो ये हमारा वन स्ट्रोक होगा, और जब क्रैंक 180 डिग्री से वापस 360 डिग्री रोटेट करेगा तो ये दूसरा स्ट्रोक होगा। तो स्ट्रोक का मतलब मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी। अब आते हैं हम लोग स्ट्रोक लेंथ की तरफ। तो स्ट्रोक लेंथ, तो लेंथ का मतलब होता है लीनियर डिस्टेंस, और स्ट्रोक का मतलब है मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? स्ट्रोक लेंथ इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन व्हेन इट रेसिप्रोकेट्स फ्रॉम आइदर टीडीसी टू बीडीसी और फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ओके, यानी कि जब पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा तो जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे बोलेंगे हम लोग स्ट्रोक लेंथ। सेम केस है जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो पिस्टन जितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे बोलेंगे हम लोग स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल एल एंड स्ट्रोक लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन mm। हमेशा स्ट्रोक लेंथ को आपको mm में लेना है। ओके ओके, सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, और वी कैन से स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको हम लोग VS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है। द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन इन अ सिंगल स्ट्रोक इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। यानी कि पिस्टन द्वारा एक सिंगल स्ट्रोक में जितना वॉल्यूम डिस्प्लेड होगा उस वॉल्यूम को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग VS से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्वेप्ट वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब बात करते हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम निकालेंगे कैसे। तो आइए डायग्राम में देखते हैं। तो सिंगल स्ट्रोक मतलब एक स्ट्रोक में जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, तो एक स्ट्रोक यानी कि अगर हम टीडीसी से बीडीसी की बात करें तो ये इतना वॉल्यूम हमारा कवर होता है, सिंगल स्ट्रोक में इतना वॉल्यूम कवर होता है, और ये वॉल्यूम एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, जिसका एरिया हो जाएगा पिस्टन एरिया के बराबर और जिसकी हाइट हो जाएगी स्ट्रोक लेंथ के बराबर। तो पिस्टन एरिया में अगर हम स्ट्रोक लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एरिया का वॉल्यूम निकल आएगा। ओके, इस स्पेस का वॉल्यूम निकल आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम का? स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू पिस्टन एरिया इंटू स्ट्रोक लेंथ। पिस्टन एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर, स्ट्रोक लेंथ हो गया एल। तो स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल, और यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सीसी भी लिखते हैं इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इंजन कैपेसिटी और क्यूबिक कैपेसिटी, जिसे हम लोग सीसी भी कहते हैं शॉर्ट में। आइए जानते हैं क्या है इंजन कैपेसिटी। इंजन कैपेसिटी और क्यूबिक कैपेसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ ऑल सिलेंडर्स ऑफ इंजन इन वन कंप्लीट साइकिल। मींस
इंजन में कई सिलेंडर होते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन आते हैं, तो एक इंजन में एक सिलेंडर भी हो सकता है, एक इंजन में दो सिलेंडर भी होते हैं, एक इंजन में तीन भी होते हैं, चार सिलेंडर भी होते हैं, पांच सिलेंडर के भी इंजन आते हैं। तो एक इंजन में जितने भी सिलेंडर हैं उन सभी सिलेंडर के टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम को जोड़ दें तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा उस वॉल्यूम को हम लोग इंजन कैपेसिटी या फिर क्यूबिक कैपेसिटी कहते हैं। तो एक साइकिल में एक इंजन में जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को इंजन कैपेसिटी कहते हैं। इंजन कैपेसिटी और क्यूबिक कैपेसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ ऑल सिलेंडर्स ऑफ इंजन इन वन कंप्लीट साइकिल। इट सिग्निफाइज दैट हाउ मच अ इंजन कैन डिस्प्लेस और बर्न द फ्यूल एयर मिक्सचर इन वन कंप्लीट साइकिल। इंजन कैपेसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है कि जितना भी इंजन कैपेसिटी होगा उतना ही एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा, यानी उतना ही एयर फ्यूल मिक्सचर कंज्यूम होगा। यानी कि अगर 100 सीसी का इंजन है, मतलब उसमें 100 सीसी यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर एक साइकिल में एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा। हर साइकिल में 100 सेंटीमीटर क्यूब का के वॉल्यूम के बराबर एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो रहा होगा। अगर 200 सीसी का इंजन है, मतलब 200 सीसी वॉल्यूम के बराबर एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा एक साइकिल में, यानी कि हर साइकिल में 200 सीसी वॉल्यूम के बराबर एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो रहा होगा। इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंजन कैपेसिटी। ओके, इंजन कैपेसिटी इज मेजर्ड इन सीसी, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। इंजन कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ सिलेंडर इन अ इंजन गिव द इंजन कैपेसिटी। अगर इंजन कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इंजन कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा इंजन कैपेसिटी का फॉर्मूला, इंजन कैपेसिटी यानी कि सीसी इक्वल टू स्वेफ्ट वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इनटू टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर। के क्या है यहां पर, के इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर और वीएस क्या है, स्वेफ्ट वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर। तो इंजन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्वेफ्ट वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इनटू टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर वीएस इनटू के। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मोलॉजी इज क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको हम लोग वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है स्वेफ्ट वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अबव द टॉप डेड सेंटर और द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड सिलेंडर हेड इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम। मतलब कि टॉप डेड सेंटर और सिलेंडर हेड के बीच का जो वॉल्यूम है, यानी कि टॉप डेड सेंटर के ऊपर का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अबव द टॉप डेड सेंटर इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड सिलेंडर हेड इज कॉल्ड द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम इज डेजिनेटेड बाई वी सी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सीसी से इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मोलॉजी इज कंप्रेशन रेशियो, आइए जानते हैं क्या होता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट बॉटम डेड सेंटर टू द क्लियरेंस वॉल्यूम इज नोन एज कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम व्हेन द पिस्टन इज एट बॉटम डेड सेंटर। यानी कि पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर में हो तब जो रेशियो आएगा टोटल वॉल्यूम का और क्लियरेंस वॉल्यूम का, उस रेशियो को हम लोग कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। अब बात आती है टोटल वॉल्यूम की। तो क्या होता है टोटल वॉल्यूम, तो जब हमारा पिस्टन बीडीसी में होगा तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन द पिस्टन विल बी एट बीडीसी इज कॉल्ड द टोटल वॉल्यूम। तो आइए देखते हैं डायग्राम में, जब हमारा पिस्टन बीडीसी में होगा तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का, ये वॉल्यूम जो होगा ये टोटल वॉल्यूम होगा सिलेंडर का। यानी कि इस वॉल्यूम में टीडीसी के ऊपर जो क्लियरेंस वॉल्यूम है ये भी कवर होगा और टीडीसी से बीडीसी के बीच में जो स्वेप्ट वॉल्यूम है ये भी कवर होगा। तो क्या होगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम विल बी द समेशन ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को जोड़ दें तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा। तो क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। अब अगर हम टोटल वॉल्यूम को कंप्रेशन रेशियो के फॉर्मूले में रख दें तो क्या निकल के आता है कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू वीसी प्लस वीएस अपॉन वीसी, वीसी से वीसी कट जाएगा तो फॉर्मूला निकल के आता है 1 प्लस वीएस अपॉन वीसी, यानी कि कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, नाउ
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्ट्रोक टू बोर रेशियो। तो पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो स्ट्रोक टू बोर रेशियो इज द रेशियो ऑफ स्ट्रोक लेंथ टू द सिलेंडर बोर। स्ट्रोक लेंथ और सिलेंडर बोर के रेशियो को स्ट्रोक टू बोर रेशियो कहते हैं। अब बताती है इसके सिग्निफिकेंस की कि ये इस पैरामीटर को हम लोग क्यों निकालें। ओके, तो स्ट्रोक टू बोर रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन क्लासिफाइंग द साइज ऑफ द इंजन एज वेल एज द एप्लीकेशन ऑफ द इंजन। इंजन के एप्लीकेशन और इंजन को के साइज को डिफाइन करने के लिए स्ट्रोक टू बोर रेशियो निकाला जाता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे स्ट्रोक टू बोर रेशियो इंजन के साइज को और इंजन के एप्लीकेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है इफ डी इज लेस देन एल, यानी कि स्ट्रोक लेंथ बोर डायमीटर से बड़ा है। अगर स्ट्रोक लेंथ बोर डायमीटर से बड़ा होगा तो एल बाई डी जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर एल बाई डी ग्रेटर देन 1 होगा तो उस इंजन को हम लोग अंडर स्क्वायर इंजन कहते हैं। सेकेंड कंडीशन इफ डी इज ग्रेटर देन एल, यानी कि स्ट्रोक लेंथ बोर डायमीटर से छोटा है। अगर स्ट्रोक लेंथ बोर डायमीटर से छोटा होगा तो एल बाई डी जो होगा वो लेस देन 1 होगा। अगर एल बाई डी लेस देन 1 होगा तो उस इंजन को हम लोग ओवर स्क्वायर इंजन कहते हैं। थर्ड कंडीशन इफ डी इज इक्वल टू एल, यानी कि स्ट्रोक लेंथ और बोर डायमीटर दोनों इक्वल होंगे तो एल बाई डी क्या होगा इक्वल टू 1 होगा। उस इंजन को हम लोग स्क्वायर इंजन कहते हैं। अब बात आती है कि तीनों इंजन अंडर स्क्वायर इंजन, ओवर स्क्वायर इंजन और स्क्वायर इंजन कैसे इंजन के एप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पर तीनों ही इंजन के डायग्राम बना दिए हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियर हो रहा है। जैसे पहले डायग्राम अगर देखें तो स्ट्रोक लेंथ जो है वो बोर डायमीटर से बड़ा है, यानी कि एल इज ग्रेटर देन डी, मीन्स एल बाई डी ग्रेटर देन 1। तो इस इंजन को क्या कहेंगे, अंडर स्क्वायर इंजन। अंडर स्क्वायर इंजन इज यूज फॉर लो स्पीड एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि अंडर स्क्वायर इंजन में स्ट्रोक लेंथ क्या है, बड़ा है, ज्यादा है। स्ट्रोक लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि पिस्टन को एक्सपेंशन प्रोसेस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा मतलब आरपीएम कम, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, अंडर स्क्वायर इंजन में क्या है, स्ट्रोक लेंथ ज्यादा है। स्ट्रोक लेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कंप्रेशन प्रोसेस ज्यादा होगा, यानी कि पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर को ज्यादा कंप्रेस करेगा और एयर फ्यूल मिक्सचर जितना ज्यादा कंप्रेस होगा पावर उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसीलिए अंडर स्क्वायर इंजन जो है वो लो स्पीड और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए यूज होता है, यानी जहां पर पावर ज्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो मोपेड बाइक्स, मोपेड बाइक्स का आप देखते होंगे कि मैक्सिमम स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर है आ रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम वेट कैरी करता है वो 1 टन, 2 टन, 3 टन तक का वेट आराम से कैरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रैक्टर, जिसके बारे में आप सभी अवेयर हैं, ठीक है। डॉग पावर वैगन, यानी कि लोडर्स हो गए आपके, ट्रक्स हो गए आपके, ये सभी क्या हैं, अंडर स्क्वायर इंजन बेस्ड हैं आपके। इसके अलावा मार्जा एमएक्स 5 हो गया आपका, विली जीप हो गई, ये सभी आपके अंडर स्क्वायर इंजन के एग्जांपल हैं, ठीक। नाउ अब बात करते हैं सेकंड इंजन की, यानी कि ओवर स्क्वायर इंजन की। तो आप डायग्राम से ही देख सकते हैं कि बोर इज ग्रेटर देन स्ट्रोक लेंथ, डी इज ग्रेटर देन एल, मीन्स एल बाई डी इज लेस देन 1, यानी कि इस इंजन को ओवर स्क्वायर इंजन कहते हैं। ओवर स्क्वायर इंजन इज यूज फॉर हाई स्पीड एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल्स। हाई स्पीड व्हीकल मीन्स लाइक रेसिंग बाइक, रेसिंग कार, दीज आर द हाई स्पीड व्हीकल्स। और हाई स्पीड व्हीकल में ओवर स्क्वायर इंजन यूज होता है। क्यों? क्योंकि ओवर स्क्वायर इंजन में स्ट्रोक लेंथ बोर डायमीटर से कम है। स्ट्रोक लेंथ कम होने से पिस्टन को एक्सपेंशन प्रोसेस में कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। कम डिस्टेंस ट्रेवल करने पर क्या होगा, वो कम टाइम लगेगा उसको साइकिल कंप्लीट करने में, और जितना कम टाइम लगेगा आरपीएम उतना ही ज्यादा होगा। इस वजह से ओवर स्क्वायर इंजन में आरपीएम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक लेंथ कम है, पिस्टन को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रोक लेंथ कम होने से कंप्रेशन प्रोसेस कम और छोटा हो जाता है, यानी कि पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर को कम कंप्रेस करेगा। अब एयर फ्यूल मिक्सचर कम कंप्रेस होगा यानी कि पावर कम प्रोड्यूस होगी, इसीलिए ओवर स्क्वायर इंजन में पावर कम मिलती है। इसीलिए ओवर स्क्वायर इंजन लाइट ड्यूटी व्हीकल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करें लाइक रेसिंग बाइक्स, जिसमें स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पावर कम होती है। फॉर्मूला 1 कार हो गया आपका, रेसिंग कार्स हो गया आपका, लो कैपेसिटी है हाई माइलेज बाइक्स हो गई, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओवर स्क्वायर इंजन। अब बात करते हैं थर्ड इंजन की, यानी कि स्ट्रोक लेंथ इक्वल टू बोर डायमीटर, मींस एल बाय डी इक्वल टू 1। आप डायग्राम में देख सकते हैं स्ट्रोक और बोर दोनों बराबर हैं, और इस इंजन को कहते हैं स्क्वायर इंजन। स्क्वायर इंजन आर यूज फॉर हाई स्पीड एंड हाई पावर व्हीकल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इंजन में हमें स्पीड भी ज्यादा मिलती है और पावर भी कंपेरेटिवली ज्यादा मिलती है,
क्यों? क्योंकि स्क्वायर इंजन में स्ट्रोक लेंथ और बोर डायमीटर दोनों बराबर है, यानी कि स्क्वायर इंजन में कंप्रेशन प्रोसेस भी प्रॉपर तरीके से होता है और एक्सपेंशन प्रोसेस भी प्रॉपर तरीके से होता है, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए पावर भी हमें कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलती है और स्पीड भी कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलती है। स्क्वायर इंजन के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हार्ले डेविडसन बाइक में स्क्वायर इंजन होता है, रॉयल इनफील्ड बाइक में भी स्क्वायर इंजन होता है, इसके अलावा मर्सिडीज बेंज की गाड़ियों में स्क्वायर इंजन आता है, बीएमडब्ल्यू में आता है, फरारी और फियाट स्पोर्ट्स इंजन में स्क्वायर इंजन यूज होता है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर इंजन, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, यहाँ पर हमारा टर्मोलॉजीज खत्म होती हैं और हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और एक हम यहाँ पर आपको होमवर्क असाइनमेंट के तौर पर एक न्यूमेरिकल लास्ट में देंगे। आई चलते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की तरफ और देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। तो दिस वन इज द न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक ट्रिक है कि आपको पहले न्यूमेरिकल को आराम से पढ़ना है और न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद जो डाटा गिवन है उसको वन बाय वन लिखना है और उसके बाद जो फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और क्या क्या तरीका है उसको हम लोग दिमाग में लगाएंगे, यानी वो सारा प्रोसेस बाद की बात है। पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन हैज अ बोर ऑफ 80 mm एंड स्ट्रोक ऑफ 80 mm, द कंप्रेशन रेशियो इज 8, कैलकुलेट द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, आल्सो स्टेट दैट व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज दिस, ठीक है। अभी हो सकता है आपको कुछ समझ में आया हो, तो अब हम आराम से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ते हुए लिखते जाएंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अ फोर सिलेंडर, यानी कि इस इंजन में नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, फोर। देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिलेंडर यानी के दिया गया है आपको फोर। इसके बाद क्या लिखा है, फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन हैज अ बोर ऑफ 80 mm, तो इस इंजन का सिलेंडर बोर कितना दे रखा है, 80 mm, यानी कि बोर ऑफ सिलेंडर स्मॉल डी दे रखा है आपको 80 mm, एंड स्ट्रोक ऑफ 80 mm यानी कि स्ट्रोक लेंथ कितना दे रखा है, यानी कि कैपिटल एल कितना दे रखा है, 80 mm, ठीक है। द कंप्रेशन रेशियो इज 8, तो कंप्रेशन रेशियो यानी कि स्मॉल आर आपको दे रखा है 8, ठीक। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्यूबिक कैपेसिटी सीसी और क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम में आपको वीसी निकालना है और आपको ये बताना है कि ये इंजन कौन सा है, स्टेट दैट व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज दिस, तो इंजन की टाइप को बताना है, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए तीनों चीजें कैसे निकलेंगी। तो कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो क्यूबिक कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू स्वेफ्ट वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर। क्यूबिक कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, स्वेफ्ट वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक। क्लियरेंस वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो क्लियरेंस वॉल्यूम हमेशा कंप्रेशन रेशियो से निकलता है। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू होता है 1 प्लस स्वेफ्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, तो यहां से हम क्लियरेंस वॉल्यूम निकालेंगे। और टाइप ऑफ इंजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एल बाय डी रेशियो से, यानी कि स्ट्रोक टू बोर रेशियो कैलकुलेट करके हम निकालेंगे कि ये इंजन कौन सा है, स्क्वायर इंजन है कि अंडर स्क्वायर इंजन है कि ओवर स्क्वायर इंजन है, ठीक है ना। तो हमें ये पता लग गया कि क्या क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जब भी आपको बोर ऑफ द सिलेंडर दिया गया हो और स्ट्रोक लेंथ दी गई हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्वेफ्ट वॉल्यूम निकाल लेना है। स्वेफ्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। स्वेफ्ट वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू एल, हमें डी भी दे रखा है और एल भी दे रखा है। तो जब भी आपको बोर और स्ट्रोक लेंथ दोनों दिया हो तो तुरंत आंख मीच के सबसे पहले हम लोग स्वेफ्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई बाय 4 बोर की वैल्यू दे रखी है 80, तो 80 का स्क्वायर इनटू स्ट्रोक लेंथ 80, तो पाई बाय 4 80 स्क्वायर इंटू 80, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका स्वेफ्ट वॉल्यूम आ जाता है 402123.86 mm³, ठीक है। लेकिन जो स्वेफ्ट वॉल्यूम है या फिर क्लियरेंस वॉल्यूम की बात करें या फिर इंजन कैपेसिटी है, ये सब सीसी में होते हैं, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में और mm³ को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो 1000 का जब डिवाइड करेंगे तो स्वेफ्ट वॉल्यूम आ जाएगा 402.124 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्वेफ्ट वॉल्यूम कितना आ गया, 402.124 सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। स्वेफ्ट वॉल्यूम निकालने के बाद अब हम आते हैं क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि इंजन कैपेसिटी की ओर, और इंजन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
इंजन कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सॉफ्ट वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर के। हमने सॉफ्ट वॉल्यूम निकाल लिया है कितना है 402.124 और नंबर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 4 आपको दे रखा है, नंबर ऑफ सिलेंडर भी दे रखा है और सॉफ्ट वॉल्यूम निकाल लिया हमने, तो वैल्यू पुट कर दी हमने और वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक कैपेसिटी कितनी आ गई, क्यूबिक कैपेसिटी आ गई 1608.4 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक कैपेसिटी कितनी आ गई 1608.4 सीसी। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम, और क्लियरेंस वॉल्यूम किससे निकलेगा, कंप्रेशन रेशियो से निकलेगा। तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस सॉफ्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो कितना दे रखा है 8, कंप्रेशन रेशियो दे रखा है 8, तो हमने यहां पे 8 रख दिया। 1 प्लस सॉफ्ट वॉल्यूम हमने पीछे निकाल लिया था कितना था 402.124 सीसी, तो हमने यहां पर रख दिया। अब बचा क्या निकालने के लिए, क्लियरेंस वॉल्यूम, तो यहां से हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो क्लियरेंस वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 402.124 अपॉन 7, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 57.4 सीसी। तो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम आ गया 57.4 सीसी। अब निकालेंगे टाइप ऑफ इंजन, टाइप ऑफ इंजन के लिए स्ट्रोक टू बोर रेशियो निकाल लेते हैं, स्ट्रोक टू बोर रेशियो निकालते हैं यानी L by D, L दिया हुआ है 80, बोर यानी डायमीटर दिया हुआ है 80, 80/80 करेंगे तो 1 आ गया, और L by D अगर 1 आता है तो कौन सा इंजन आता है, स्क्वायर इंजन आता है, तो इंजन इज स्क्वायर इंजन, दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपके लिए मैं एक असाइनमेंट न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जिसको आपको घर में सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करें फोटो खींच करके, या फिर आप कमेंट बॉक्स में, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके मुझे बताएं कि इस न्यूमेरिकल का आंसर ये आ रहा है। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल इज 4-stroke 2-cylinder स्पार्क इग्निशन ऑफ 900cc कैपेसिटी हैज अ बोर ऑफ 75 mm, द कंप्रेशन रेशियो इज 9, कैलकुलेट द स्ट्रोक ऑफ इंजन, सॉफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ई सिलेंडर एंड आल्सो स्टेट दैट व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज दैट। ठीक है, यानी आपको यहां पर नंबर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 2 दे दिया है, 900cc कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी आपको 900cc दे दिया है, बोर ऑफ इंजन दे दिया 75 mm, कंप्रेशन रेशियो दे दिया 9, अब आपको निकालना है सॉफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, और स्टेट करना है कि ये इंजन कौन सा इंजन है। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल घर में सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसकी फोटो खींच करके आपको या तो व्हाट्सएप में सेंड करनी है या फिर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो ये था टर्मिनोलॉजीज ऑफ आईसी इंजन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, इसका नाम है एयर स्टैंडर्ड साइकिल एंड ऑटो साइकिल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।